सागर के मकरूनिया अंतर्गत एफएम रेडियो ब्लास्ट में सागर के मुख्य डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक के दीक्षित को सागर के मकरूनिया अंतर्गत एफएम रेडियो ब्लास्ट में सागर के मुख्य डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक के दीक्षित को जान से मारने की साजिश करने वाले हेमंत उर्फ आशीष साहू ने इंटरनेट पर बम बनाने का तरीका ढूंढ निकाला था। आरोपी द्वारा बदले की भावना को लेकर 25 जनवरी को दीक्षित के घर पर ब्लास्ट करवाया गया। मोहल्ले के हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते, कितने हम लोग दुखी है, हमारा पूरा मोहल्ला दुखी है। वो हमारा छोटा भाई था और इस निर्मम तरीके से उसने जो ये काम किया है, हम लोग तो यही कहेंगे कि सरकार सीधा उसको बिना कोई मुकदमा के फांसी की सजा दे। बहुत जल्द सम्माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और ज्ञापन के माध्यम से उनसे अनुरोध करेंगे, राष्ट्रपति जी के लिए और राष्ट्रपति जी के नाम से भी ज्ञापन सौंपेंगे कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ब्लास्ट में के दीक्षित तो बच गए, परंतु उनके डॉक्टर पुत्र रितेश, रिश्तेदार विजय मिश्रा, नौकर देवी सिंह जख्मी हो गए थे। इन सभी को भोपाल में भर्ती किया गया। रितेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यह बात सुनते ही आम जन दंग रह गए। देखते ही देखते उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो गए। शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये जो आज आनंद नगर में घटना हुई है, बहुत अमान्य हुई है और हमारा सभी भाइयों से सहयोग है कि उस व्यक्ति के लिए फांसी की सजा होना चाहिए और फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होना चाहिए। मेरी कानून और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी से जल्दी उसके लिए फांसी की सजा देंगे, हम लोगों को उतने जल्दी से जल्दी तसल्ली मिलेगी और हम लोग उसके बस केवल एक मांग है, फांसी 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 बस फांसी के अलावा कोई सजा नहीं मिलना चाहिए उसको। सागर से कैमरामैन संजय तिवारी के साथ अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे थे न्यूज़ व्यू 360.com, खबरें अलग अंदाज में।